मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम डेविड है। इसे लगभग इस मूवी का हीरो कह सकते हैं। उसका एक लड़की के साथ झगड़ा चल रहा होता है। देखने में तो ये कोई कपल फाइट लगती है और यही उसकी गर्लफ्रेंड भी है। जब देखो जहाँ देखो इन दोनों का झगड़ा नॉनस्टॉप चलता ही रहता है। इन दोनों के बीच सिर्फ फाइट और फाइट और फाइट ही चल रही होती है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे शादी करना चाहती है और बाल बच्चों के साथ एक हैप्पी फैमिली गुजारना चाहती है, पर अपना डेविड तो बिल्कुल अपोजिट सोच का है। वो बच्चों से बेहद नफरत करता है। वो हमेशा गिटार हाथ में ले घूमता ही रहता है। उसका मानना है कि अगर वो जिंदगी में कुछ बनना चाहता है तो वो म्यूजिशियन ही बनेगा। और पहले तो वो एक बैंड का मेंबर भी हुआ करता था, पर बैंड वालों ने उसको बाहर निकाल दिया, इसलिए अब वो रोज सड़क पर खड़ा होकर गिटार बजाता रहता है। जब भी घर आता है तो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ना उसका मेन काम होता है। इस तरह एक दिन उन दोनों का झगड़ा हद पार कर जाता है और डेविड सिर्फ अपना प्लेस्टेशन साथ लेकर घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो रियलाइज करता है कि इतने दिन तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर में था, पर अब तो रहने की कोई जगह भी नहीं है। फिर रहने का कोई और ठिकाना न पाकर वो अपनी दीदी टेस के घर जाता है। टेस का एक बेटा है फ्लिक्स। वो पूछता है, अब हमारे साथ ही रहोगे क्या अंकल? डेविड उसे अपने लिए एक कप कॉफी बनाने के लिए कहता है। वो कहता है, अरे ओ अंकल, मैं 5 साल का बच्चा हूँ, मैं कॉफी कैसे बनाऊंगा? ऐसा कहकर फ्लिक्स टीवी देखने लग जाता है। टीवी में उसका फेवरेट टेडी वाला शो चल रहा होता है। वो शो एकदम बेकार टाइप का होता है, पर उसे देखकर वो खुशी से नाच रहा होता है। तब वो डेविड का प्लेस्टेशन और जॉयस्टिक देखकर उससे पूछता है कि ये सब क्या है। डेविड उसे एक जॉम्बी गेम डालकर देता है। इतने में उसकी माँ दौड़ती भी आती है और डेविड को गुस्सा करती है कि इस तरह का गेम उसे खेलने के लिए क्यों दे रहे हो। फिर डेविड कहता है कि अरे ये तो सिर्फ एक गेम है, एक्चुअली फ्लैक्स भी उस गेम को बहुत अच्छे से खेल रहा होता है। फिर कुछ देर बाद वो खाना खाने के लिए बैठते हैं। टेस ने सबके लिए वेज पिज्जा मंगवाया होता है। पिज्जा बहुत ही बेस्वाद होता है। फ्लैक्स को डायबिटीज है और कई तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से उसे ऐसे बेमसाले वाला फूड खाना पड़ता है। पर डेविड उससे कहता है, अरे यार फ्लिक्स, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे जैसा फूड खाना है तू बिल्कुल खा। और कहता है, इधर आ, मैं तुझे खिलाता हूँ। यही नहीं, वो उसके सामने गंदे गंदे वर्ड्स भी यूज करता है। फ्लिक्स बहुत ही क्यूट तरीके से कहता है कि अंकल बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, और वो अक्सर अपनी टीचर मिस कैरोलिन का जिक्र करता है। मिस कैरोलिन ने ये करने को कहा है, मिस कैरोलिन ने वो करने को कहा है, ऐसे ही कहता रहता है। डेविड ये सुनकर बहुत इरिटेट हो जाता है और कहता है कि कौन है वो टीचर, उससे कहो जाए फांसी लगाए। ऐसे शब्द सुनकर टेस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डेविड से पूछती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसा क्यों हो, तुम शादी वगैरह करना नहीं चाहते और बच्चों से तुम इतनी नफरत क्यों करते हो। एक्चुअली टेस और डेविड का पास्ट मुश्किलों से भरा था। उनके पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। बचपन के उस दर्द से डेविड अभी बाहर नहीं आया होता है। वो कहता है, मैं डैड की तरह नहीं बनना चाहता, इतना ही नहीं मुझे खुद पता नहीं कि मुझे बच्चे क्यों पसंद नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर टेस उसे खूब समझाने लगती है कि हमारे डैड ऐसे थे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी वैसे ही बन जाओगे। बच्चे हमेशा परेशान नहीं करते, घर में बच्चे होते हैं तो हमारा स्ट्रेस बहुत ही कम हो जाता है, ये शायद तुम नहीं जानते। इस तरह वो एडवाइस पे एडवाइस देती रहती है। फिर रात को वो फ्लिक्स को कहानियां सुनाती है ताकि उसे आराम से नींद आ जाए। अपनी कहानियों में भी टेस कई मोटिवेशनल बातें बताती है। सुनकर डेविड का भी मन करता है कि वो अपने आप को बदले और एक अच्छी जिंदगी जीकर देखे, शायद उसमें ये बदलाव अचानक ही आ गया था। बेचारे सोते हुए फ्लिक्स को हिलाकर उसको उठाता है और उसे स्टार वार्स के डार्थ वेडर वाला कॉस्ट्यूम पहनाता है। फिर उसे समझाता है कि बात सुन फ्लिक्स, एक्टिंग करना आसान काम नहीं होता, तुम जिस कैरेक्टर का ड्रेस पहनोगे सच में तुम वही कैरेक्टर बन जाओगे। तो फ्लिक्स बड़े प्यार से कहता है, ओके अंकल। डेविड कहता है, क्या ओके अंकल, अपने कैरेक्टर की आवाज में बोल यार। फिर फ्लिक्स अपनी आवाज बदल कर कहता है, ओके अंकल। वो सच में अपने को वही कैरेक्टर समझने लगता है। उसे लगता है कि वो अपना हाथ हिलाएगा और चीजें उसके रास्ते से हटने लग जाएंगी। उसे लेकर डेविड अपनी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में लेकर जाता है। उसके पास फ्लैट की चाबी होती है। वो फ्लिक्स से कहता है, मैं मेन दरवाजे पर खड़ा रहूंगा और तुम तुरंत ये बोर्ड उसको दिखाना। उस बोर्ड पर लिखा होता है, मुझसे शादी करोगी? तो प्लान के मुताबिक दरवाजा खोलता है, पर वहाँ कुछ और ही सेंस चल रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ होती है। डेविड चौंक जाता है, कम से कम बच्चे की आंखें तो बंद कर दी होती, वो भी डेविड नहीं करता। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो अपना गुस्सा गर्लफ्रेंड पर निकालता है कि मैं तुमसे शादी के लिए पूछने आया था। वो भी उसे अपने हिस्से का सुनाती है, तुमने क्या समझा था, मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ कि तुम शादी नहीं करना चाहते या बच्चे नहीं चाहते, मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम एक निकम्मे इंसान हो। यही नहीं, वो इससे भी ज्यादा खरी खोटी उसको सुना देती है। डेविड की तो बोलती ही बंद हो जाती है। वो चुपचाप फ्लिक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर आते ही फ्लिक्स अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाता है, मम्मी मैंने ना जब डोर ओपन किया
गया तब जानती हो वो आंटी क्या कर रही थी। इतने में डेविड उसका मुंह बंद कर देता है और सोचता है कि अबे मेरी पोल खोलेगा क्या पूरी। ऐसी बातें बच्चे के मुंह से सुनकर टेस डेविड पर बहुत गुस्सा करती है कि वाह तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी और वो तुमने बड़ी अच्छे से निभाई। तुम मेरे बच्चे को अपने साथ लेकर गए और अनाप शनाप दिखाकर घर ले आए, तुम पहले यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर डेविड बच्चों की तरह रोने लगता है। टेस भी क्या करती बेचारी, आखिर उसका भाई जो ठहरा वो उसको रोना बंद करवाती है और कहती है अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, मेरे बेटे की देखभाल तुम ही करोगे। डेविड मान जाता है। फ्लेक्स बहुत ही अच्छा बच्चा है पर उसे जितनी भी बुरी बातें सिखानी होती है डेविड उसको सब कुछ सिखाता है। एक दिन वो उसे स्कूल छोड़ने जाता है। फ्लेक्स तो अक्सर बीमार पड़ जाता है और इसीलिए दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर डेविड कहता है कि वो लोग तेरा इतना मजाक उड़ा रहे हैं और तू चुपचाप बैठा हुआ है। इस तरह उससे बातें करता हुआ फ्लेक्स को क्लासरूम में छोड़ने जाता है। तभी वो कैरोलिन को पहली बार देखता है। कैरोलिन को देखकर तो डेविड का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये तो बहुत खूबसूरत है यार, अब तक तो उस टीचर के बारे में वो उल्टा सीधा कह रहा था पर अब बिना वजह उसके पास जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। हे मैं डेविड हूँ, मैं फ्लेक्स का अंकल हूँ, इसकी माँ थोड़ा गैर जिम्मेदार औरत है इसलिए इसका ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये सुनकर तो कैरोलिन उसे बड़ी इज्जत की नजरों से देखती है। डेविड को तो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते पर कैरोलिन को बच्चे बेशक पसंद होते हैं। उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में डेविड बच्चों पर बड़ा प्यार कर रहा होता है, वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता। कैरोलिन किसी तरह उसे वहाँ से भेज देती है। फिर डेविड फ्लेक्स से विदा लेता हुआ कहता है ओके बेटा मैं शाम को तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। और डेविड को तो देखिए वो क्लास के खत्म होने से पहले ही वहाँ टपक जाता है। वो कैरोलिन से मिलने का बहाना ढूंढता रहता है पर उसकी कोशिशें रंग नहीं लाती। पर कैरोलिन उससे बहुत अच्छे से पेश आती है और फ्रेंडली तरीके से बातें करती है। तब वहाँ दूसरी टीचर आती है और कहती है आपके साथ कल एक्सकर्शन पर जो टीचर आने वाले हैं उनकी तबीयत खराब हो गई है, अब आप ही कोई और टीचर ढूंढ लीजिए, अब आपको ही सभी बच्चों को संभालना होगा या फिर आप किसी और को अपने साथ ले लीजिए। तभी डेविड मौका पाकर उछल पड़ता है और कहता है और कोई क्यों, मैं हूँ ना, मुझे और कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, मैं चलूंगा आपके साथ। कैरोलिन भी मान जाती है। घर पर तो टेस को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसको कोई काम मिल चुका है। वो कहती है उन लोगों ने तुम्हें काम पर रखा कैसे। दूसरी ओर फ्लेक्स स्टार वार्स का मास्क पहन लेता है और अपने आप को डेड्स वेडर ही समझने लगता है। टेस दोबारा पूछती है पर तुम्हें वो काम मिला कैसे। फिर वो कहती है ठीक है तुम ध्यान से सुनो, फ्लेक्स को कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उसे इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है। फिर वो इंजेक्शन डालने की विधि उसको बता रही होती है। वो डेविड को बोलती है कि ब्लू वाला ऊपर होना चाहिए और ऑरेंज वाला नीचे, तभी ये दवा अंदर जाएगी। इंजेक्शन के डेमो देकर वो डेविड को पूछती है तुम समझ गए हो ना। डेविड बड़े आराम से कहता है हाँ हाँ सब समझ गया हूँ, ब्लू वाला ऊपर और ऑरेंज वाला नीचे, इतनी सी तो बात है। टेस उसे फिर से एक बार बताने लगती है। डेविड इरिटेट होकर कहता है कि जानता हूँ ब्लू वाला ऊपर और ऑरेंज वाला नीचे, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। फिर टेस पूछती है कि तुम्हें तो बच्चों से नफरत है फिर तुम वहाँ जाकर उनका ख्याल कैसे रखोगे। वो कहता है कि क्या बात कर रही हो, कौन कहता है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है, बच्चों पर तो मैं जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कट करके दिखाते हैं कि स्कूल के बच्चे एक्सकर्शन के लिए एक फार्म हाउस जा रहे होते हैं। कैरोलिन बच्चों के लिए गाना गा रही होती है, बच्चे खुशी के मारे उछल कूद कर रहे होते हैं। ये देख के डेविड सोच में पड़ जाता है कि कहां शैतानों के बीच में फंस गया हूँ। इतने में गाना खत्म हो जाता है और कैरोलिन बैठ जाती है पर बच्चे मानते नहीं और कहते हैं कि एक और गाना सुनाओ ना, और जिद करते हैं। तो झट से कैरोलिन कहती है अरे हमारे बीच एक गजब का सिंगर है जो एक बैंड में भी गाता था, वो अब हमारे लिए एक गाना गाने वाला है। डेविड भी यहाँ वहाँ मुड़कर देखता है और कहता है कि हाँ कौन है वो सिंगर। अब बात ये थी कि डेविड को गाना तो आता नहीं था। तब कैरोलिन कहती है कि इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम ही तो हो सिंगर, यहाँ आकर गाओ। डेविड मान जाता है और मुंह खोलकर गाना शुरू करता है। बच्चों के तो जैसे तैसे कान ही पक जाते हैं, कैरोलिन भी डर जाती है। गाना बजाना बहुत हुआ, चलो अब चलने का टाइम हो गया है, ऐसा कहकर कैरोलिन डेविड को बिठा देती है और फिर वे अपने टूर पर निकल पड़ते हैं। ये लोग जिस फार्म हाउस के लिए निकलते हैं वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक आर्मी बेस को दिखाते हैं। उस बेस के अंडरग्राउंड में दो लोग जा रहे होते हैं, वहाँ किसी प्राणी पर कोई रिसर्च चल रही होती है, शायद वो प्राणी वहाँ से बच निकलता है। वे दोनों उसे ही ढूंढ रहे होते हैं। तब वे देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उनके एक डॉक्टर को काट रहा होता है। तब उन्हें वायरलेस पर कोड रेड वाला मैसेज आता है कि सभी रिलीज हो गए हैं और दूसरे इंसानों को काटकर उन्हें भी अपनी तरह बना रहे हैं। इस वार्निंग और इमरजेंसी के बीच सब इधर उधर भाग रहे होते हैं। हमें दिखाते हैं कि ज़ॉम्बी वहाँ एक सोल्जर को काट रहा होता है। कट करके हमें फार्म हाउस पर ले जाते हैं। डेविड कैरोलिन और स्कूल के बच्चे वहाँ पहुँच चुके होते हैं, सब बहुत ही खुश हैं। कैरोलिन बच्चों को हैंडल करना बड़ी अच्छी तरीके से जानती है और उनके साथ रहते हुए वो कभी कभी बच्ची भी बन जाती है। वो गाना सुनाने लगती है और बच्चों को बस से नीचे उतारती है। तभी वहाँ एक आदमी को देखकर बच्चे चिल्लाते हुए उसकी ओर भागते हैं। ये आदमी वही टेडी होता है जिसका शो फ्लिक्स घर पर देख रहा होता है। डेविड के समझ में कुछ नहीं आता कि ये बच्चे उसे देखकर इस तरह क्यों दौड़ रहे हैं। टेडी वहाँ डांस कर रहा होता है, वो भी शायद कैरोलिन पे फिदा हो गया था। वो कैरोलिन को आगे बुलाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है।
देखा आपने, हमारे यहाँ लोग गोरेपन के चक्कर में अपनी स्किन पर न जाने क्या क्या लगा रहे हैं, पर इस शहर में शायद काला होना भी एक खूबी मानी जाती है। तो वहाँ टीचर और बच्चे मजे से नाच रहे होते हैं, ये देखकर डेविड को लगता है कि वो कहाँ फंस गया। फिर बच्चे फार्म में घूमते हैं और गाते नाचते बड़े मजे में होते हैं। कट करके वो आर्मी बेस दिखाते हैं। उस आर्मी बेस के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वे सब वहाँ का गेट खोलकर बाहर आ जाते हैं और सीधा फार्म की तरफ आ रहे होते हैं। इतने में लंच टाइम हो जाता है। सारे बच्चे खाना पीकर खाकर बैठे हुए होते हैं। इस बीच डेविड फिर कैरोलिन को इम्प्रेस करने की कोशिश में उससे बातें करने लगता है, पर तभी वो कैरोलिन की उंगली की अंगूठी देखता है और कहता है कि ये अंगूठी कैसी है। कैरोलिन कहती है, ये मेरी एंगेजमेंट की रिंग है, जल्दी मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर तो डेविड कोमा में चला जाता है और इतना मायूस हो जाता है कि क्या कहें। तभी उसे प्रॉब्लम होने लगती है और वो बच्चों को भी डांटने लगता है। तभी एक बच्चा बदमाशी कर रहा होता है, तब डेविड उस पर इस तरह चिल्लाता है कि जैसे वो कोई बच्चा नहीं बड़ा आदमी हो। फिर उन बच्चों को आसपास ट्रैक्टर में घुमाया जाता है। ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी कहता है कि रास्ते में कुछ है, उसे देखने के लिए वो उतर जाता है। फिर कैरोलिन और डेविड भी ट्रैक्टर से उतर जाते हैं। कैरोलिन डेविड को गुस्सा करने लगती है कि तुम इतना भी नहीं जानते कि बच्चे से किस तरह पेश आना चाहिए, उनके साथ प्यार से बर्ताव करना चाहिए। इस तरह वो डेविड को एडवाइस कर रही होती है। बैकग्राउंड में एक ज़ॉम्बी ड्राइवर को खा रही होती है। ये देखकर कैरोलिन डांटने लगती है कि अरे यहाँ छोटे बच्चे हैं और तुम दोनों उनके सामने ऐसी हरकत कर रहे हो। पर जैसे ही वो उन दोनों के पास जाती है तो चौंक जाती है, क्योंकि वो लड़की तो एक ज़ॉम्बी है। कैरोलिन घबरा जाती है, फिर डेविड को जल्दी से ट्रैक्टर स्टार्ट करने को कहती है। डर के मारे वो भी ट्रैक्टर की ओर भागने लगता है और यहाँ कैरोलिन हाथ में एक घास खोदने वाला शोवल उठा लेती है और उस ज़ॉम्बी को धमकाती है, मेरे पास मत आओ वरना खोपड़ी फोड़ दूंगी। फिर भी ज़ॉम्बी पास आने लगता है तो वो उसके पेट में शोवल घुसा देती है, फिर उस ज़ॉम्बी को उठाकर एक पेड़ पर फंसा देती है। तुम्हारा मुंह देखने लायक नहीं लग रहा, ऐसा कहकर वो उस ज़ॉम्बी को मास्क लगाकर कुछ पहना देती है। फिर वहाँ से भागती हुई चिल्लाती है, गाड़ी निकालो गाड़ी निकालो। प्रॉब्लम ये होता है कि डेविड को तो गाड़ी चलानी नहीं आती। पीछे से फ्लेक्स उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि अब ऐसा करो, वाला बटन दबाओ, ऐसा करो। डेविड पूछता है, यार तुझे ये सब कैसे पता। तब फ्लिक्स कहता है कि उसकी फेवरेट गाड़ी ट्रैक्टर ही है। किसी तरह गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और कैरोलिन उस पर चढ़ जाती है। फिर बच्चों से कहती है, बच्चों कोई भी साइड में मत देखना और डरना बिल्कुल नहीं। यहाँ आने से पहले मैंने तुम सबसे क्या कहा था कि हम एक सुपर गेम खेलने वाले हैं, कहा था ना, अब हम वही गेम खेलने वाले हैं, ओके। ऐसा कहकर वो बच्चों को किसी तरह से मैनेज कर लेती है। डेविड गाड़ी चला रहा होता है। जब वे फार्म के पास वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो जगह पूरी ज़ॉम्बी से भरी पड़ी है, कोई भी जिंदा नहीं। इतने में गाड़ी रुक जाती है क्योंकि वहां आगे ज़ॉम्बी होते हैं, इसके आगे गाड़ी का जाना बिल्कुल भी मुश्किल होता है। अब बच्चे भी डरने लगते हैं। इस बात को सेंस करके कैरोलिन फिर अपनी बातें शुरू करती है और कहती है कि कौन कौन मेरे साथ ट्रेन गेम खेलना चाहता है। सब बच्चे कहते हैं कि मैं खेलूंगा और उछलने लगते हैं। वेरी गुड, तो तुम सब मेरी स्कर्ट पकड़ोगे और एक दूसरे के पीछे ट्रेन की तरह चलोगे, ओके। पर इस गेम का रूल ये है कि यहाँ जिन लोगों को तुम देख रहे हो उन्हें कोई नहीं छुएगा और ना ही उन्हें अपने को छूने देना है, ओके। इस तरह वो उस प्रॉब्लम को एक गेम बनाकर बच्चों को बहला रही होती है। सब एक लाइन में एक के पीछे एक चल रहे होते हैं। सबसे पीछे डेविड भी फ्लिक्स को उठाकर चल रहा होता है। मन ही मन ये सोच रहा होता है कि इन लोगों ने तो मुझे लास्ट में भेज दिया। फ्लिक्स को तो जरा भी डर नहीं लग रही होती है क्योंकि वो इसे ज़ॉम्बी गेम समझ रहा होता है, बिल्कुल वैसा ही ज़ॉम्बी गेम जैसा डेविड उसे अपने प्लेस्टेशन में खेलने को देता था। वो अपनी उंगलियों को गन बनाकर ज़ॉम्बी को धैर धैर शूट कर रहा होता है। इस तरह वे सब फार्म के अंदर चल रहे होते हैं क्योंकि फार्म में ही उनकी बस होती है। अगर किसी तरह बस तक पहुंचा जाए तो यहां से बच निकल सकते हैं। वहां पहुंचकर पता चलता है कि बस के आसपास और ज़ॉम्बी हैं। ये रास्ता भी अब बंद हो चुका है। अब उनको प्लान भी बनाना बहुत जरूरी था। वहाँ एक गिफ्ट शॉप को देखते हैं। वे सब उस गिफ्ट शॉप में छुपने की कोशिश करते हैं। सब मिलकर गिफ्ट शॉप का दरवाजे को पीटते हैं। अंदर वो टेडी बैठा हुआ होता है पर दरवाजा नहीं खोलता, वो सिर्फ टीवी पर ही बच्चों से प्यार करता है। असल जिंदगी में तो वो शायद बहुत ही गंदा है। सच में उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। बच्चों के पीछे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं पर ये सब देखकर भी वो टेडी अंदर का दरवाजा नहीं खोलता। इतने में वहाँ भेड़ बकरियों का निकलने का छोटा द्वार नजर आता है। फिर सभी उस द्वार के अंदर चले जाते हैं। आखिर में जब कैरोलिन अंदर जा रही होती है तो एक ज़ॉम्बी उसका बैग छीन लेता है और उस बैग को वहीं छोड़कर कैरोलिन फटाफट अंदर भाग जाती है। बाहर डेविड अभी भी फंसा हुआ होता है पर किसी तरह से वो भी बचकर गिफ्ट शॉप के छप्पर के ऊपर चढ़ जाता है। कैरोलिन और बच्चे गिफ्ट शॉप के अंदर आ जाते हैं। वहाँ दूसरे कमरे में जाने का एक दरवाजा होता है जिसे वे खटखटाते लगते हैं। उसी कमरे में टेडी होता है और वो दरवाजा खोलने का नाम नहीं लेता। तभी डेविड ऊपर से दरवाजे को तोड़ता हुआ नीचे गिरता है। अंदर टेडी और उसके बीच घमासान लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच डेविड टेडी
के मुंह में स्टेपलर लगा देता है। लड़ाई में टेडी को हराकर डेविड वहां का दरवाजा खोलता है और सबको अंदर बुलाता है, पर बच्चे अभी भी बहुत डरे हुए होते हैं। पर फ्लिक्स कहता है कि इस गेम में तो बहुत मजा आ रहा है। वहां बैठी एक लड़की कहती है कि उसे डर लग रहा है। कैरोलिन उसे बताती है कि इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है, हम ही तो यहां जीत रहे हैं। अभी देखो हम लेवल फर्स्ट में है, इसके बाद लेवल 2 आएगा, फिर लेवल 3 आएगा। तब एक लड़का पूछता है कि कितने लेवल्स हैं इसमें। कैरोलिन सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह से मैनेज करती है और कहती है कि सिर्फ थोड़े ही लेवल्स हैं, अब घबराने की भी कोई बात नहीं। पीछे से टेडी बच्चों की हिम्मत तोड़ने वाली बातें कर रहा होता है। वो कहता है तुम्हें डरना ही चाहिए। बच्चों में एक मोटा लड़का है जिसका नाम मैक्स है। वो पूछता है कि हम गोल्फ कब खेलेंगे। कैरोलिन कहती है कि वो बाद में खेलेंगे बेटा, अभी तुम थोड़ा शांत बैठ जाओ। फिर वो फ्लिक्स से कहती है कि अच्छा फ्लिक्स, तुमने तो अपने अंकल के साथ एक गेम खेला है ना, तो हमें इस गेम के बारे में जरा बताओ। फ्लिक्स एक्सप्लेन करने लग जाता है, कहता है ये ज़ॉम्बी आवाज सुनने पर आते हैं, इन्हें शूट करने से कोई फायदा नहीं होता, पर इनके सर को काट दो तो ये मर जाते हैं। इतने में कैरोलिन कहती है देखा बच्चों, ये सिर्फ एक गेम है। टेडी अपनी आदत से बाज नहीं आता और फिर कहता है कि बच्चों वो झूठ बोल रही है, यहाँ जो हो रहा है वो रियल है और ये सब हमें खाने वाले हैं। बच्चे और भी घबराने लगते हैं। फिर वो कहती है कि बच्चों बात एक्चुअली ये है कि टेडी को जादू की झप्पी चाहिए। ऐसा कहकर कैरोलिन टेडी के पास जाती है, उसने अपने हाथ में एक नुकीली चीज भी उठा ली होती है। फिर टेडी को गले लगाते हुए नुकीली चीज टेडी के पेट में घुसा देती है। टेडी से कहती है कि अबे मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और तुम बीच में टांग अड़ा रहे हो, अगर आइंदा अपना मुंह खोला तो सीधे पेट में घोंप दूंगी, समझे क्या, अपनी जान प्यारी हो तो बच्चों से बोलो कि ये गेम है। तो टेडी रोता हुआ कहता है कि हाँ ये गेम ही है। फिर वो बच्चों से कहती है कि देखा बच्चों, तुम्हारे फेवरेट टेडी भी कह रहे हैं कि ये गेम है। ऐसा कहकर कैरोलिन अपनी क्यूट सी स्माइल देती है। डेविड बच्चों का बहुत ख्याल रख रहा होता है, वो उन्हें स्नैक्स लेकर देता है। फ्लिक्स कहता है अंकल ये सब मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। डेविड उसको कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये लो तुम भी खा लो। डेविड उसे भी स्नैक्स पकड़ा देता है। स्नैक्स खाने के बाद फ्लिक्स को कोई एलर्जी हो जाती है और उसको सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। तब कैरोलिन कहती है कि इसे कभी कभी ऐसा होता है। डेविड तुम इसका इंजेक्शन लाए हो ना। डेविड इंजेक्शन निकालता है। कैरोलिन उसे इंजेक्शन मांगती है ताकि वो फ्लिक्स को दे सके, पर डेविड जिद करता है कि नहीं नहीं मैं जानता हूँ इसको कैसे लगाना है, मेरी दीदी ने मुझे सिखाया है कि इसको कैसे लाना है। पर यहाँ आकर डेविड इंजेक्शन को उल्टी तरफ से डाल देता है और पूरी दवाई उसके हाथ में ही चढ़ जाती है। इस तरह इंजेक्शन तो अब वेस्ट हो जाता है और बेचारा फ्लिक्स सांस भी नहीं ले पाता और तड़प रहा होता है। पर फ्लिक्स के बैग में एक स्पेयर इंजेक्शन भी होता है। कैरोलिन पूछती है पर बैग कहाँ है। फ्लिक्स कहता है कि वो तो मैंने ट्रैक्टर में ही छोड़ दिया, अब किसी को बाहर जाना ही होगा ताकि वो इंजेक्शन को ले सके। डेविड जाता है, फ्लिक्स उसको रोकता है कि प्लीज अंकल आप मत जाओ। इतने में बैग लेने के लिए कैरोलिन बाहर जाती है। ज़ॉम्बी के बीच में अपने आप को बचाती हुई टेडी मेडी चल रही होती है। वो डरी भी होती है पर उसमें गट्स भी आ जाते हैं क्योंकि वो फ्लिक्स को बचाना चाहती है। वहाँ एक गेट के ऊपर से छलांग मारती हुई वो ज़ॉम्बी के बीच में जा रही होती है। इसी बीच चार ज़ॉम्बी उसको घेर लेते हैं। वो झट से वहाँ पड़ी एक शोवल उठाती है और उससे उन ज़ॉम्बी पर अपनी पूरी ताकत से हमला करती है। इस तरह वो एक ज़ॉम्बी का सर काट देती है। तभी उसे फ्लिक्स की याद आती है कि अगर इनके सर पर मार दिया जाए तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे और ये मर जाएंगे। फिर वो उन चारों ज़ॉम्बी के सर पर मारती है और वो सब मर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो ट्रैक्टर तक पहुंचती है, पर वहां तो इतनी बड़ी समस्या होती है, सभी बच्चों के बैग तो एक जैसे होते हैं। ओ गॉड, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। पर कैरोलिन सभी बैग्स को चेक करती है, किसी भी तरह फ्लिक्स का बैग ढूंढ निकालती है, उसमें इंजेक्शन होता है। यहां फ्लिक्स की हालत और भी खराब होती जाती है, सांस लेने में तो उसको अब बहुत तकलीफें होती है। वहां कैरोलिन इंजेक्शन वाला बैग पीठ पर पहनती है और वापस आने के लिए मुड़ती है। तभी कई ज़ॉम्बीज उसकी ओर आ रहे होते हैं। कैरोलिन शोवल हाथ में उठाती है और एवेंजर की तरह धड़ाधड़ सभी को मारते हुए भागने लगती है। कट करके दिखाते हैं कि डेविड बहुत रो रहा है। फ्लिक्स से वो कहता है कि सॉरी फ्लिक्स, मैंने अनजाने में ऐसी गलती कर दी, मैं बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी हूँ यार। तभी अचानक दरवाजा तोड़ते हुए कैरोलिन वहाँ आती है, उसके शरीर और ड्रेस में खून ही खून है। वो आखिरी फ्लिक्स को इंजेक्शन लगाती है, तब जाकर फ्लिक्स की हालत थोड़ा ठीक होती है। जब वो बच्चों को देखती है तो वो पूछते हैं कि ये आपकी ड्रेस में क्या लगा हुआ है। फिर कैरोलिन अपनी स्टोरी और भी आगे ले जाती है और कहती है वो कुछ नहीं, मैं जरा दूसरी लेवल खेल के आ रही थी, उस लेवल का नाम है जेम फाइट और मैं उसमें जीत कर यहाँ आई हूँ। तो मैक्स पूछता है मिस कैरोलिन हमें भूख लगी है, प्लीज थोड़ा जैम दीजिए ना। कैरोलिन उन्हें समझाती है कि ये असली जैम नहीं है और इसे खाया नहीं जा सकता। फिर कैरोलिन बच्चों के साथ बड़े मजे से खेलने लगती है। ये दृश्य डेविड की नजरों में स्लो मोशन में चल रहा होता है। वो सोचता है कि इस हालत में भी वो कितनी सुंदर लग रही है। सारे बच्चे उछलते कूदते खेल रहे होते हैं। तभी टेडी चिल्लाता है कि एक मिनट के लिए सब शांत हो जाओ। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। टेडी कहता है कि मैं तो एक सेलिब्रिटी हूँ और वो हेलीकॉप्टर मुझे ही बचाने आ रहा है और यहाँ से सिर्फ मैं ही जिंदा बचूंगा। बच्चे उसे डांटने लगते हैं, हम सब तुम्हें अपना हीरो मानते हैं और तुम्हें हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। टेडी उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता।
वो सीधा छप्पर फाड़कर छत में जाता है और हेलीकॉप्टर को देखकर चिल्लाता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। एक्चुअली वहाँ के ज़ॉम्बी को मारने के लिए ही वो हेलीकॉप्टर वहाँ आया होता है। इतने में टैडी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब वो दरवाजे पर पीटने लगता है और विनती करता है कि मुझे बचाओ मुझे अंदर ले लो। आई एम सॉरी मैंने तुम लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोला था पर प्लीज मुझे माफ कर दो और दरवाजा खोल दो। उस पर तरस खाकर डेविड उसे बचा लेता है और उसको अंदर ले लेता है। तब टैडी उसे बताता है कि मुझे अपना काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं एक एक्टर बनना चाहता था पर मेरी किस्मत फूटी थी कि मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है। बच्चों को हंसाना भी कोई काम होता है क्या? मैं तो फंस चुका हूँ यार। वो अपना दुखड़ा सुनाकर रो रहा होता है। यहाँ एक मिलिट्री ऑफिसर और उसके बड़ी टीम को दिखाते हैं। वे कुछ प्लान कर रहे होते हैं। उनका मानना है कि सारे ज़ॉम्बी उस फार्म हाउस के आसपास ही हैं और मैप के अनुसार फार्म हाउस के बीच में एक गिफ्ट शॉप है। अगर हम उस गिफ्ट शॉप पर बॉम्ब गिरा देते हैं तो सारे ज़ॉम्बी खत्म हो जाएंगे। उनके बीच डिस्कशन चल रहा होता है। उन्हें नहीं पता कि फार्म के अंदर तो ये सारे लोग पड़े हैं। फिर रात हो जाती है और बच्चों को भूख भी लगने लगती है। अब बेचारी कैरोलिन खाना कहाँ से लाती? वो गाना गाकर बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ कट करके दिखाते हैं कि बच्चों के पेरेंट्स बाहर खड़े हैं और मिलिट्री के लोग उन्हें अंदर आने नहीं दे रहे हैं। पेरेंट्स वहाँ खड़े खड़े चिल्ला रहे होते हैं। तब फ्लैक्स की माँ टेस डेविड को कॉल करती है। सिग्नल ना होने के कारण कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। फिर वो वॉइस मेल भेजती है कि मेरा बेटा कैसा है, वो ठीक है ना, वो तुम्हारे साथ ही है ना, ये सब कहते हुए वो रो रही होती है। यहाँ जैसे तैसे कई बच्चे सो जाते हैं पर दो बच्चे सो नहीं पाते, एक फ्लैक्स और दूसरी एक लड़की जो पहले से बहुत डरी हुई थी। तब पहली बार डेविड बड़े प्यार से उनसे बातें करता है। यही नहीं, वो एक गाना गाता है और उन दोनों को सुलाता है। तब फ्लैक्स पूछता है कि ये गाना तो मेरी मम्मी भी गाती है, तुम कैसे जानते हो? तो डेविड कहता है वो सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, वो मेरी माँ भी है, मुझे भी वो यही गाना सुनाकर सुलाया करती थी। जानते हो तुम्हारी माँ एक सुपर हीरो है, हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए थे पर तुम्हारी माँ ने मेरी इतनी अच्छी तरह से देखभाल की। और डेविड थोड़ा सेंटिमेंटल सा हो जाता है। कैरोलिन ये सब देखकर रो रही होती है। फिर डेविड और कैरोलिन बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कैरोलिन उसे अपने बारे में सच्चाई बता देती है कि ये मेरी एंगेजमेंट रिंग नहीं है, तुम्हें लगता होगा कि मैं एक परफेक्ट लड़की हूँ पर ऐसा नहीं, मैं अपने घर और शहर से भाग आई थी। इस शहर में एक बैंड हुआ करता था और मैं उन लोगों को देखना चाहती थी, इसलिए मैं घर से भाग गई थी। पर उस बैंड के लोगों ने मेरी कदर नहीं की और उन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के हाथों मुझे बाहर निकाल दिया। तब मैंने छत से कूदने का डिसाइड किया और फिर मुझे हॉस्पिटल में कई दिन रखा गया था। जब मैं ठीक हो गई तो उसी हॉस्पिटल के एक स्कूल में टीचर बन गई और अब भी टीचर ही हूँ। मेरी जिंदगी किसी तरह चल ही रही है। तब डेविड भी उसे अपनी सच्चाई बताता है, मैं ठीक से गाना भी नहीं जानता इसलिए मुझे अपने बैंड से निकाल दिया गया था। इसी तरह वो अपनी बातें कर रहे होते हैं। तब कैरोलिन एक बात कहती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना तो दूसरों की तरह जिंदगी गुजार पाते हैं और ना ही अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाते हैं, वे बीच का कोई रास्ता चुनते हैं और ऐसे लोग मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं और उनकी लाइफ भी उतनी ही इंटरेस्टिंग होती है, वही लोग दिल के सच्चे होते हैं। तुम बिल्कुल उसी टाइप के आदमी हो, अपनी लाइफ को लेकर तुम ज्यादा फिक्र मत करना। और इस तरह उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। सुबह हो जाती है, हमें वही आर्मी कमांडर दिखाए जाते हैं। वे अपने सुपीरियर को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि एक घंटे में उस जगह पर हम ब्लास्ट करने वाले हैं। यहाँ डेविड उठता है और कहता है हमारे यहाँ से बचने का एक रास्ता है, मेरे पास एक आइडिया है। वो अपना आइडिया टैडी को बताता है पर वो कहाँ मानने वाला था। आइडिया ये था कि उन दोनों में से कोई यहाँ से भागकर बाहर जाएगा और बाहर रखे ट्रैक्टर को यहाँ लाएगा, फिर बच्चों को उस पर बिठाकर यहाँ से भाग ले जाएंगे, इसी तरह हम बच पाएंगे। पर टैडी तो जाने को तैयार ही नहीं होता और कहता है मुझसे उतनी दूर नहीं भागा जाएगा, मुझे तो तुम छोड़ ही दो। कैरोलिन भी नहीं जा पाएगी क्योंकि बच्चों को उसकी जरूरत है। बाकी बचा डेविड, वो जाने को तैयार हो जाता है पर टैडी उसे भी मना कर देता है और कहता है कि जब तक तुम ट्रैक्टर को यहाँ लाओगे तब तक तो ज़ॉम्बी आ जाएंगे। फिर वो कहता है कि पर मेरी वैन तो बाहर ही है, तुमने उसे रास्ते में देखा ही होगा, वो बहुत तेज भी चलती है, उसके ऊपर एक ओपनिंग भी है जिसके जरिए हम बच्चों को वैन के अंदर उतार सकते हैं। उसका ये आइडिया सबको ठीक लगता है पर बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। एक लड़की को भूख लगती है तो दूसरी लड़की गेम खत्म होने को कहती है। इतने में मैक्स गेम खेलने की जिद करता है, किसी को ये चाहिए किसी को वो चाहिए। कैरोलिन की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब करें क्या, पर इतने में डेविड एक गाना गाकर बच्चों को शांत करता है, बच्चे फिर खुश हो जाते हैं। डेविड कहता है बच्चों थोड़ी देर शांत रहो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तब कैरोलिन उसे देखती है और पूछती है तुम इतना अच्छा गाना गा लेते हो फिर तुम गाते क्यों नहीं? डेविड कहता है पहले हम यहाँ से निकल जाएं उसके बाद बात करते हैं। फिर डेविड और टैडी वहाँ से बाहर जाते हैं। छप्पर पर आकर दोनों देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी रेंग रहे हैं। अपना टैडी रोम्बो की तरह मिशन पर तो निकल पड़ता है पर ज़ॉम्बी को देखकर गिड़गिड़ा जाता है। तभी वो रस्सी के सहारे बाहर जाने की कोशिश करता है पर फिसलकर वहाँ गिर जाता है। तब डेविड कहता है कि मैं ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ तुम भागो। टैडी भागने लगता है तभी उसे एक ज़ॉम्बी बच्चा काटने आता है। गुस्से में टैडी उस छोटे ज़ॉम्बी बच्चे को ही काट देता है और चिल्लाता है कि काटने से ऐसा ही दर्द होता है,
समझे। फिर वो रियलाइज करता है कि अरे ये क्या, मैंने क्या कर दिया, मैंने तो खुद ही जोम्बी को काट दिया है। वो सोचता है कि जोम्बी का खून वो पी चुका है और खुद भी जोम्बी बन जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। किसी तरह दोनों वैन के पास पहुंच जाते हैं। टेडी वैन में चढ़ जाता है। डेविड कहता है यार यू आर ग्रेट, ओके ये दरवाजा खोलो, शायद लॉक हुआ है। पर टेडी डोर नहीं खोलता और कहता है सॉरी डेविड, बच्चों को साथ लेकर हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, मुझे बच्चों से सख्त नफरत है। वो ये सब कह ही रहा होता है कि वैन में बैठा हुआ एक जोम्बी उसको काट देता है। अब वहाँ और भी बहुत सारे जोम्बी आने लगते हैं। डेविड वैन के ऊपर चढ़ जाता है। अंदर बैठा जोम्बी बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है और डेविड को कुछ भी आइडिया समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। बाहर होने की वजह से अब सिग्नल मिलता है और उसके फोन पे कॉल आता है। ये टेस का कॉल होता है। वो टेस से बात करता है और साथ में रो भी रहा होता है और कहता है तुम्हारा बेटा बिल्कुल सुरक्षित है, वो मेरे साथ ही है और मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम उसकी ही नहीं मेरी भी माँ हो। उसकी इमोशनल बातें सुनकर टेस भी रोने लगती है। तभी एक जोम्बी झट से उसका फोन छीन लेता है। डेविड वहां से उन जोम्बियों से लड़ रहा होता है। यहां टीचर और बच्चे बाहर झांक कर देख रहे होते हैं कि टेडी और डेविड वैन लेकर आ रहे होंगे, पर बाहर तो कोई नजर ही नहीं आता। तभी मैक्स चिल्ला रहा होता है कि मुझे वो गेम खेलना ही है। कैरोलिन थोड़ा सा उसको डांट देती है कि थोड़ी देर चुप रहो, इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो। तभी उसके पास खड़ी एक और लड़की भी चिल्लाने लगती है। उससे कैरोलिन पूछती है कि अब तुम्हें क्या हो गया। लड़की बताती है कि फ्लेक्स तो गायब ही हो गया है। तभी दिखाते हैं कि फ्लेक्स अपने अंकल को बचाने बाहर गया होता है। उसने डेथ वेडर वाला कॉस्ट्यूम पहना होता है। डेविड ने उसको सिखाया था कि डेथ वेडर वाला कॉस्ट्यूम पहनने पर वो खुद डेथ वेडर बन जाएगा, इसलिए कॉस्ट्यूम पहनकर वो जोम्बी को मिटाने उनके बीच चला जाता है। जोम्बी को अपनी ओर आते देखकर वो हाथ दिखाता है तो वहाँ का गेट बंद हो जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके पास डेथ की पावर आ गई, पर असलियत ये होती है कि जोम्बी उस गेट के पास होते हैं और उनकी वजह से वो गेट बंद होता है। जोम्बी के बीच फ्लेक्स फिर घूम रहा होता है। वैन के ऊपर बैठा डेविड सारी उम्मीदें खो चुका होता है, कुछ ही देर में जोम्बी उसको काट खाएंगे। तभी अचानक उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि फ्लेक्स ट्रैक्टर चला रहा होता है। ट्रैक्टर की उसे इतनी अच्छी नॉलेज होती है कि वो किसी एक्सपर्ट ड्राइवर से कम नहीं होता और अपने अंकल को बचाने आ रहा होता है। डेविड बच जाता है और ट्रैक्टर पर चढ़ जाता है। वो फ्लेक्स से कहता है यार फ्लेक्स यू आर रॉकिंग। यहाँ कट करके दिखाते हैं कि जोम्बी ऑफ गिफ्ट शॉप का दरवाजा तोड़ने लगते हैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैरोलिन को कुछ नहीं सूझता। तभी कोई आवाज आती है। कैरोलिन बच्चों से एक तरफ आने को कहती है। उस कमरे की एक दीवार पर ट्रैक्टर की पिक्चर पेंट की गई होती है और उसी जगह को तोड़कर फ्लेक्स की ट्रैक्टर अंदर आती है। डेविड ऊंची आवाज में गर्व से कहता है मुझे फ्लेक्स नहीं बचाया है। बच्चे डरे हुए होते हैं, पर कैरोलिन जोश में होती है और कहती है कहाँ है वो मैक्स। क्यों रे मैक्स, तुम्हें वो गेम खेलना है ना, चलो अब हम वो गेम खेलेंगे। कहकर वो बच्चों को ट्रैक्टर पर चढ़ाती है और मैक्स के हाथ में एक लंबी छड़ी देती है। फिर वो उसे ट्रैक्टर में पीछे बिठा देती है। वहां से जाते हुए वो जोम्बी के सर पर फटाक फटाक करके मार रहे होते हैं। दूसरे बच्चों का डर कम करने के लिए कैरोलिन गाना गाने लगती है। गाने के अंत में सब ताले बजाते हैं और उनके साथ साथ उनका पीछा करते हुए जोम्बी भी ताली बजाने लगते हैं। गाड़ी बहुत धीरे चल रही होती है। सड़क पर उनके ट्रैक्टर के पीछे पीछे बहुत जोम्बी चल रहे होते हैं। यहाँ मिलिट्री बेस में फार्म को बॉम्ब से उड़ाने की पूरी तैयारियां हो चुकी है। वहाँ के आदमी जोम्बियों को आते देखते हैं, पर उन्हें ट्रैक्टर में बैठे बच्चे नजर नहीं आते। वे सोचते हैं कि ट्रैक्टर में ड्राइवर के सिवा कोई नहीं है और वो भी जरूर इन्फेक्ट हो गया होगा। इस आइडिया के साथ वे शूट करने वाले होते हैं। फिर वो पीछे बैठी कैरोलिन को देखते हैं जो कि गिटार हाथ में लिए गाना गा रही होती है। सोल्जर्स को लगता है कि वो भी जोम्बी से इन्फेक्ट हो गई है, इसलिए उन दोनों को गोली से उड़ाने का फैसला करते हैं। वे गोली चलाने ही वाले होते हैं कि उन्हें बच्चों के गाने की आवाज आती है। अरे ये तो बच्चों की आवाज है। सोल्जर्स रुक जाते हैं और देखते हैं कि ट्रैक्टर में कई बच्चे बैठे हुए हैं। उनका कमांडर बहुत सोचता है और कहता है कि मैं बच्चों पर गोली नहीं चलाने दूंगा, उन्हें जाने दो। जैसे ही ट्रैक्टर उनको क्रॉस करती है वे जोम्बी पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। ट्रैक्टर के इस तरफ आते ही मिलिट्री की एयरक्राफ्ट फार्म की ओर उड़ते हुए दिखते हैं। डेविड और कैरोलिन एक दूसरे के साथ मिंगल हो जाते हैं। कुछ देर में फार्म में धमाके के साथ विस्फोट हो जाता है। बच्चे उछलकर चिल्ला रहे होते हैं कि ये कितना सुपर फायरवर्क्स है, हम गेम जीत गए। पर थोड़ी देर में टीम आती है और कैरोलिन डेविड और बच्चों को पकड़ कर ले जाती है। वे और कोई नहीं मिलिट्री के ही लोग होते हैं। फिर उसी मिलिट्री ऑफिसर को दिखाते हैं जो पेरेंट्स के सामने आता है। वो पेरेंट्स से कहता है कि प्लीज जरा शांत हो जाइए, आपके बच्चे बिल्कुल सेफ हैं और उनको सेफ रखा हुआ है उनके दो टीचर्स ने। ये सुनकर तो पेरेंट्स चौंक जाते हैं कि ये दो टीचर्स कहां से आ गए, उनकी तो एक ही टीचर्स है मिस कैरोलिन। तो ऑफिसर कहता है कि नहीं, डेविड नाम का एक और टीचर उनके साथ है। डेविड और कैरोलिन ने मिलकर ही सभी बच्चों की रक्षा की है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उन दोनों ने इतना मुश्किल काम कैसे किया। तब टेस कहती है कि वो मेरा भाई है
ऑफिसर कहता है कि उन सबको हमने क्वारंटीन करके रखा है, कम से कम 48 घंटे के लिए उन्हें ऑब्जर्व करेंगे कि वो ज़ॉम्बी बन रहे हैं या नहीं। तब टेस पूछती है, वे इतने खतरनाक ज़ॉम्बी से बचकर आए हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। ऑफिसर बताता है कि वे सब बड़े मजे में हैं। सब चौंक जाते हैं कि क्या सब बड़े मजे में। कट करके दिखाते हैं कि डेविड और कैरोलिन गिटार बजाते हुए बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। बच्चे भी बड़े मजे कर रहे होते हैं। पेरेंट्स उन्हें अंदर आकर देखते हैं और चकित रह जाते हैं कि ये दोनों कितनी खुशी से इन बच्चों को संभाल रहे हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है। आपको भी ये मूवी बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल को देख रहे हो तो आई एम श्योर आप हमारे चैनल के डाई हार्ड फैन हो, और डाई हार्ड फैन होने के नाते आप शेयर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।